नोएडा से हैं ज्ञान सरबत जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद। और मेरा सवाल है कि मैंने मेरे पैर में दर्द होता है काफी, मतलब दर्द नहीं होता लेकिन मेरा पैर जो है थोड़ा मुड़ जाता है चलते चलते कभी कभी। ठीक है जी। नमस्कार नमस्कार हकीम साहब। ये मेरे मेरे पैर में 4 साल से, मतलब 2 साल पहले दर्द हुआ था। तो क्या है कि चलते चलते कभी कभी झटका लग जाता है और पैर लेफ्ट हैंड टेढ़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, ठीक नहीं हो पाता था। अभी आपका ये शो देख के मैंने गोंथिया मंगाया। उससे पहले मैंने वो मंगाया था टी केयर जी। टी केयर से मेरे काफी पैरों में दर्द था, अभी गोंथिया मंगवाया। तो गोंथिया खाने के बाद मेरी छोटी छोटी सी बरोरी जैसी होती है ना, फुंसी सी, पूरी पीठ में, पूरे पैर में, पूरे मतलब जांघों में, सब जगह मतलब हो गई है। कितना कितना लेते हैं आप? मैं एक बहुत जरा सा एक चुटकी लेती हूँ, वो भी एक टाइम लेती हूँ दूध से। ठीक है, दूध में। अच्छा, उसके बाद में मेरे क्या है, कोलेस्ट्रॉल था तो 200 कोलेस्ट्रॉल था। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की वहाँ डायरेक्ट, तो वो कलौंजी का नमक, वो नहीं, हाँ कलौंजी, वो जैतून का नमक और जैतून का सिरका और एलोवेरा का सिरका भेज दिया। तो एलोवेरा का सिरका खुजली के लिए भेजा और जैतून का सिरका भेजा कोलेस्ट्रॉल के लिए, और जैतून का नमक इसलिए भेजा कि वो जो क्या बोलते हैं खुजली सी होती है, पानी उसको 5 चुटकी डाल के पूरे दिन पीते रहो। तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, ठीक। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये लिख लीजिए थोड़ा प्लीज। और दूसरा मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड को सिर में शंट डला हुआ है, तो मेरे शुगर भी है उनको और बीपी भी है, सब दवाइयां बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन खुजली बहुत ज्यादा है और चकत्ते से पड़े हुए हैं, वो नहीं ठीक हो रहे। बताइए इनका सवाल। एक तो इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है हकीम साहब। हाँ, ये जो सिरका आप पिए हैं कोलेस्ट्रॉल वाले, तो उसमें 2 चम्मच सिरका और 2 चुटकी खाने का सोडा मिलाकर एक बार या 2 बार पिया करें, कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है। गौनसिया का इस्तेमाल कर रही हैं, कहना है कि छोटे छोटे दाने हो गए हैं। हाँ जी, गौनसिया के साथ एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो खा लिया करिए, आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। जी, हस्बैंड के लिए है कि शुगर है, बीपी है, खुजली की शिकायत है। हाँ, उनको कोई दवा नुकसान देती है जो एलोपैथ उनकी ले रहे हैं, और उसके नुकसान रोकने के लिए और शुगर कंट्रोल के लिए जो सिरका उनके लिए है, उस सिरके में एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर उन्हें पिलाया करें, उनकी ये चकत्ते वाली शिकायत भी अच्छी होना मुमकिन है और दूसरे रोगों में भी फ़ायदा मुमकिन है।